हे गाइस, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो BCOLA 138 जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके रिगार्डिंग होने वाले। देखो, इसका पेपर काफी ज्यादा इजी आता है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको पेपर एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपका रिवाइव हो जाए। ठीक है, मैं पेपर दिखाता हूँ आपको। सो दिस वॉज द प्रीवियस ईयर पेपर। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। 9 या 10 अराउंड होते हैं। ठीक है, 9 ही होंगे, आई थिंक 8 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 में से हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिफाइन कम्युनिकेशन, इजी क्वेश्चन है, मैंने पहली वीडियो में इसको मेंशन कर दिया था। ठीक है, वो कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको पर्सनल, फिर इन्वायरमेंटल, और तीसरा क्या होता है, तीसरा ही बताया था मैं। ठीक है, तो 3 मैंने वो बता दिए थे। फिर उसके बाद पर्सनल बैरियर क्या होता है, मैंने वो भी बता दिया था आपको। ठीक है, पर्सनल बैरियर्स में कितने टाइप होते हैं, परपेक्चुअल होता है, रिकॉल होता है। ठीक है, तो आप कर लेना। फिर ऑरल का देखो कम्युनिकेशन क्या हो गया, फिर कम्युनिकेशन के टाइप्स भी बताया मैंने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। 60 मार्क्स आपका ना ब्लॉक 1 जो है वो कवर करने से हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में ब्लॉक 1 में सारे ब्लॉक कवर करवा देता हूं। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नोट्स लेने की जरूरत नहीं, आप ये ब्लॉक अच्छे से कर लो। आप 60, 70 नंबर, 80 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बट इफ अगर पेड PDF चाहिए तो वही बाय कर सकते हो। उसमें क्या होगा, समराइज होगा, उसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपको सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो चाहते हैं कि सारी चीजें इस वीडियो में से आए, उन लोगों के लिए है वो लोग ये वीडियो ना देखें। ठीक है, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर दे। ठीक है, वो लोग वीडियो को स्किप कर दे, क्योंकि मैंने देखा है कुछ पेपर में, चलो हमने जो बताया वो आगे, कुछ पेपर में नहीं आया। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि आप जो बता रहे हैं नहीं आ रहा। भाई देखो, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी वही चीज़ें बता रहे हैं जो हमने देखी हैं, जो एनालाइज करी हैं। और पेपर का पैटर्न सडनली चेंज हो जाएगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम पेपर के पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे ना क्वेश्चन। लाइक इस बार का क्या था, इनकम टैक्स में क्या था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, अराउंड 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से ही आए थे। ठीक है, तो उसमें हमारी कोई फॉल्ट है नहीं। ठीक है, उसमें आप अगर नहीं, आपको अच्छा लगता है, नहीं वो होता तो आप मत करिए यहाँ से, आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन भी आता है, तो आपको 60 मार्क्स जो आपका 60 और 70 मार्क्स हो जाएगा वो आपका प्रैक्टिकल सेक्शन से, मतलब जो थ्योरी से हो जाएगा। बाकी ग्रामर से भी ज्यादा नहीं आते, ग्रामर से 20 मार्क्स तक आ सकता है, 20, 30, 40 आ सकता है। बाकी ग्रामर के लाइक रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है, और भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से 40 नंबर तो बहुत ईजिली आप गेन कर सकते हैं। जो 7th और 8th क्वेश्चन है इसके मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। ठीक है, वो देख लेना। तो वहां से आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं, वहां से आप ये 40 मार्क्स जो है वो ईजिली गेन कर सकते हो। 60 नंबर ब्लॉक 1 से और 40 नंबर, तो 100 नंबर का आपका ऐसे कवर हो गया। ठीक है, तो ये बस दिखाने के लिए था कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। देखो, हिंदी में कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेक्षण, संप्रेक्षण की अवरोध, मतलब संप्रेक्षण को क्या क्या चीजें रोकती हैं, तो व्यक्तिगत होता है, ठीक है, संगठन के रूप में होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, आप ब्लॉक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओपन हो जाओ, ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ब्लॉक 1 से। ठीक है, ये PDF आप बुक की PDF है, किसी के पास PDF नहीं है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह मैंने सेंड कर दिए, अब वहाँ से किसी भी जगह जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मैंने मर्ज कर दिया, उसमें मर्ज नहीं था, मैंने मर्ज कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो पहला यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच का क्या होता है, दो लोगों की बात करने का तरीका होता है। ठीक है, दो लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन की, वो फिर प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कर लेना, पेपर का कोई भरोसा नहीं। लाइक आज जो पेपर हुआ बिल्कुल घुमा के पूछ लिया, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा, आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है। ठीक है, देखो ये पेपर काफी ज्यादा इजी है, आपको इसमें थोड़ी चीज़ें समझ नहीं है, रटोगे तो आप नहीं कर पाओगे, लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं कर पाओगे, बट आप चीज़ों को अगर समझोगे ना तो समझ के आप इजिली कर सकते हो। तो समझते हम चीज़ों को, रटते नहीं है। ठीक है, फिर बैरियर्स मैंने बताए थे, बैरियर्स करके जाने, बैरियर से क्वेश्चन पक्का आने हैं। ठीक है, नहीं आएगा, देखो बैरियर से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पिछली बार पर्सनल पूछा था, इस बार इन्वायरमेंटल पूछ सकता है या मैकेनिकल पूछ सकता है। ठीक है, बैरियर्स 3 टाइप के होते हैं, इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर देखो मान लो पिछली बार बैरियर्स पूछा था, बैरियर कौन से होते हैं, पर्सनल बैरियर कौन सा होता है, क्या पता इस बार ये पूछ ले कि इन बैरियर्स को हटा कैसे सकते हैं, तो आपको वो भी होना चाहिए कि हाउ टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, फिर प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो पहले यूनिट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप इन चीज़ों पर टिक लगा लीजिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मैंने डिटेल में समझा दिया पहली वीडियो में। ठीक है, हाउ टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर्स और इफेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर के। ठीक है, तो चलो देखो पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, क्या होता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टू और मोर पर्सन हु हैव एक्सचेंज देयर व्यूज, आइडिया एंड प्लान बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन सच एज इन मीटिंग दो मीडिया। इन मॉडर्न टाइम्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT हैज रिवोल्यूशनाइज्ड। ठीक है, IT सेक्शन में जो रिवोल्यूशन हुआ है उसका प्रोसेस क्या एकदम ट्रांसफर कर दिया मैं। ठीक है, अब क्या होता है कम्युनिकेशन ओरल ना होगी, क्या हो गया जो IT, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि हम एज अ इंटरनेट कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे से। फिर भी अभी अब देखो ये सब चीज़ किस में आ जाएंगी, टाइप्स में आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स में आ जाती हैं, क्योंकि ओरल होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, फिर नॉन वर्बल के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन भी देखो, एक इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है, एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम एज अ कंपनी देख रहे हैं। ठीक है, बाकी वो हम डिटेल में देखेंगे अभी, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, पहला है इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम, बहुत इफेक्टिव टीम को बिल्ड करने में हेल्प करती है। मैंने पॉइंट पहले बताया था आपको। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, हमें इफेक्टिव
मतलब बिल्डिंग अ इफेक्टिव टीम, ठीक है, जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतनी आपकी टीम क्या होगी, अच्छी होगी, आपकी बातें ज़्यादा मानेगी, आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इम्पार्ट्स एवरीवन अ वॉइस, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबको बोलने का मौका मिलता है, सबको मिलता है मौका, पॉसिबिलिटी टू एक्सपर्स एक्सपर्ट हिज और हर व्यूज, ठीक है, आइडियाज़ और सजेशन, ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर क्या है, सीड ऑफ इनोवेशन, ये बीज होता है जो हम बोते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम जब तक सभी लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे उसके बारे में हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उनसे पूछेंगे सॉल्यूशन, मान लो कि कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो हम लोगों से ही पूछ सकते हैं ना, अपने थॉट के आधार पे कोई भी कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, नहीं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और भी पॉइंट्स है, लाइक फास्ट रेमेडियल एक्शन होता है, ठीक है, हम कम्युनिकेशन की वजह से फास्ट एक्शन निकाल सकते हैं, उस पर हम जल्दी क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, जहां कम्युनिकेशन अच्छी होती है वहां कोऑर्डिनेशन अपने आप अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट के बाद प्रोसेस आता है, तो प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं प्रोसेस में, हमें एक ग्राफ है वो मैं आपको दिखाता हूं, आप वो ग्राफ कर लेना, उससे पता चल जाएगा, हाँ ये रहा, ठीक है, आप ये बना के माइंड में याद कर लो। सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेशन में, कोई सेंडर होता है, ठीक है, वो सेंडर मैसेज भेजता है, वो मैसेज इनकोड होता है, वो इनकोड होकर क्या होता है, वो मैसेज रियल बनता है, ठीक है। पहले कुछ भेजते हैं हम, वो इनकोड होता है, इनकोड होकर क्या बनता है, मैसेज बनता है। फिर मैसेज हम किस मीडिया के थ्रू भेज रहे हैं ये हम देखते हैं, ठीक है, लाइक हम वर्बली भेज रहे हैं, ठीक है, एज अ लेटर भेज रहे हैं, एज अ इंटरनेट भेज रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। फिर वो मीडिया उसको डिकोड करके मैसेज बनाता है अपने थ्रू, ठीक है, आपने जो लिखा, अपनी फीलिंग लिखी उसको डिकोड कर देगा, फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्स देगा, और फिर रिस्पॉन्स के बाद उस पर फीडबैक आएगी और फीडबैक आपके पास पहुंचेगी। कभी कभी क्या होता है, फीडबैक से भी क्वेश्चन आ जाता है कि फीडबैक क्या है बताइए, ठीक है, तो फीडबैक भी कर लेना। फीडबैक क्या होता है, हमारा थॉट होता है, हमारा कंक्लूजन होता है किसी भी मैसेज को लेकर, किसी भी कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेप भी बोल सकते हैं, फीडबैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था मैंने पहले वीडियो में, अभी भी मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, आप डिटेल में पढ़ें, इसको अच्छे से पढ़ें, इससे क्वेश्चन बनने के चांस 80-90% हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहला देखो कम्युनिकेशन का बैरियर्स, आपको पता है बैरियर्स आर दोज प्रॉब्लम फेस्ड बाई एनी पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन और इन कम्युनिकेशन, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो। अब देखो पर्सनल बैरियर, बैरियर्स के टाइप्स क्या होते हैं, तीन, एक होता है पर्सनल बैरियर, ठीक है, एक क्या होता है आपका पर्सनल बैरियर होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है एनवायरमेंटल बैरियर, तीसरा क्या होता है मैकेनिकल। पर्सनल में बताया था आपको इंट्रापर्सनल होता है और इंटरपर्सनल होता है, दो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है एनवायरमेंटल में क्या होता है, एक फिजिकल होता है, एक क्रोमेटिक होता है, ठीक है, क्रोनोमेटिक होता है, ठीक है, और तीसरा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, ठीक है। मैकेनिकल में क्या होता है नॉइस होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है ट्रांसमिशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर पावर होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे दी आपको ये करना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन क्या हो गई आउटडेटेड हो गई, लेकिन आपने उसको क्या क्या चेंज नहीं किया, तो काम तो उसी उस पर करेगा, इंस्ट्रूमेंट उसी रिस्पॉन्स पर करेगा जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी उसी पर करेगा, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब डिटेल में आपको इसको क्या करना है, डिटेल में थोड़ा देखना है, डिटेल में कैसे देखो, अब जैसे ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर है, इसके अंदर आपको देखना है क्या है, साइकोलॉजिकल है, सोशोलॉजिकल है, ठीक है, एटीट्यूडनल है, ठीक है, ये देखना है, इमोशनल है, ठीक है, तो इसके चार पांच टाइप है, फिर परपेक्चुअल बैरियर है, ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना, ठीक है। जैसे देख इसमें क्या लिखा है, दीज आर कॉस्ड बाई अ पर्सन ऑन डी फंक्शंस, ठीक है, सम ऑफ द सोशोलॉजिकल डिसफंक्शन आर स्टैमरिंग, ठीक है, डिफिकल्टी इन हियरिंग, पुअर पर्सनैलिटी, ठीक है, ये होता है अलग किसी की पर्सनैलिटी होती है वो चीज़ों को सुनता नहीं है, पहले ही बोलने लगते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर सोशोलॉजिकल में क्या होता है, दिस बैरियर इंक्लूड मेंटल एंड सोशोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज साइनस, ठीक है, नर्वसनेस होता है, स्टेज फोबिया होता है, लाइक मैं भी स्कूल में था तो मुझे स्टेज फोबिया था, मैं स्टेज पर नहीं बोल पाता, अभी भी क्या होता है मैं किसी के सामने जाता हूँ, लाइक मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बट मैं किसी के सामने जाऊँगा ना तो वो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इंटरेक्ट उतना नहीं कर पाता, ठीक है, अब तो चलो दूर हो गया, मैं बातें करता हूँ बोलता हूँ सबसे, तो वो दूर हो गया, ठीक है। फिर एटीट्यूड, किसी का एटीट्यूड अलग होता है, वो इन्वायरमेंट नहीं बना पाता जहां उसको बनाना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं इसके। उसके बाद इंटरपर्सनल में क्या होता है, कल्चरल भी वो हो जाता है, बैरियर हो जाता है, मान लो आप किसी और कल्चर से बिलोंग करते हो, आप दूसरे कल्चर में जाओ तो वहां पे वो आपके लिए एक बैरियर ही हो जाएगा कि हाँ आप वहां पे ढंग से उस कल्चर की वजह से नहीं वो कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लिंग्विस्टिक होता है, एथिकल होता है, ठीक है, हायरार्कल होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल होता है, ये चार टाइप्स हो गए। फिर इन्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं, फिजिकल हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट में हमने क्या, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये एक सेकेंड, ठीक है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सा होता है, ये उल्टा हो गया आई थिंक, एक सेकेंड, हमने ऊपर देखा था ना, देखो हमने ऊपर देखा था इन्वायरमेंटल में कितने होते हैं, तीन होते हैं, फिजिकल, क्रोमेटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंटल में हमने क्या क्या देखा, तीन होते हैं, सबसे पहला फिजिकल, फिजिकल में क्या क्या आता है, नॉइस आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। क्रोमेटिक में क्या आता है, इसको हमें थोड़ा सा ये इसको अंदर स्टडी कर लेना आप, जैसे था प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम, ठीक है, जो टाइम से प्रॉब्लम होता है ना, देखो
क्रोनोमैटिक का मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लम टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो टाइम से जो चीज़ें, लाइक आपने कोई चीज़ मंगाई, ठीक है, कम्युनिकेशन की वजह से आप वो सुन नहीं पाए, आपको लेट डिलीवर कर रहा है, तो आपके कस्टमर इससे इफेक्टेड होंगे, तो क्रोनोमैटिक में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है, पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, ठीक है। आपका जो हायरार्की है, मतलब कंपनी का जो अप डाउन, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, ऊपर नीचे का जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, इनएफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर मैकेनिकल में भी तीन चार चीज़ें थी, पहला ट्रांसमिशन था, दूसरा आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट था, पुअर फेलियर था, ठीक है। तो ये सब था। अब इनको दूर कैसे करना है, तो ये पॉइंट्स मैंने पहले वीडियो में बता दिए थे, आप देख लेना उनको, ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो टर्मिनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लाइक डिस्क्राइब 10 प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं हमने जो देखे थे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल बैरियर्स कम्युनिकेट कैन बी ओवरकम, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं। व्हाट इज मीन बाय फीडबैक, मैंने बोला था फीडबैक कर लेना आता है, फीडबैक कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टर्मिनल क्वेश्चन करके जाइए, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप टर्मिनल क्वेश्चन को कर सकते हो, उनके आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। तो ये इजी तरीका होता है आपको पढ़ाई करने का, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कम्युनिकेशन के टाइप्स आते हैं, तो इसमें एक होता है हमारा, देखो इसमें यहीं पर आप समझ सकते हो चीज़ों को, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। तो आपको दोनों अच्छे से करके जाना है। वर्बल के टाइप जो है, ओरल हो गया, रिटन हो गया, विजुअल हो गया, ठीक है, साइलेंस हो गया। फिर नॉन वर्बल में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, जिसको किनेसिक बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में पिछली बार ये आया था किनेसिक वाला, ठीक है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, पोस्चर हो गया, गेस्चर हो गया, टच हो गया, ठीक है। फिर प्रोक्सेमिक हो गया, ठीक है, ये पूछ सकता है इस बार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है वर्ड है, तो ये पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको सारे करके जाने, आपको कुछ छोड़ना नहीं, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फिर ये हो गया, लाइक आपका अपीयरेंस हो गया, फिर पैरा लैंग्वेज हो गया, ठीक है। फिर इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या वो हो सकते हैं, वो आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये सब देखो, अब इसी में देखो ये जो इंडेक्स होता है ना, इसको आपको स्टडी कर, अगर आपको इसको पढ़ना आ गया ना, तो अंदर की चीज़ आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, इस वाले यूनिट में क्या करना है, हमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको पहली बात, फिर उसके अंदर इनके ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, ओरल कम्युनिकेशन का पिछले बार आया, क्या पता है इस बार रिटर्न आ जाए, तो रिटर्न का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए आपको। विजुअल का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, ठीक है। साइलेंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो होता है उसका क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, फेशियल एक्सप्रेशन का क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज करनी है, वो आपको कहाँ से करेंगे, इसमें दे रखा है। जैसे देखो ओरल कम्युनिकेशन आते हैं, ओरल पे ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है, इन दिस मोड कम्युनिकेशन इज डन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। इट मे बी फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन टॉक, वीडियो चैट, टेलीविजन रेडियो चैट, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो पहला क्या, हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्विक फीडबैक होता है, आपको वेट नहीं करना होता, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, आप चेंज तुरंत कर सकते हो, आपने कुछ बोला गलती हो गई, आप तुरंत चेंज कर दो, टाइम बचता है इसमें, ठीक है। हेल्पफुल टीम वर्क के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत उनको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, तुरंत उसका फीडबैक मिलता है, तुरंत फीडबैक दे सकते हैं वो, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। अब डिसएडवांटेज भी होता है, जिसके एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे इनफॉर्मल और नो प्रूफ ऑफ डिसीजन, ठीक है, प्रूफ नहीं होता, आपने बोल दिया, मान लो कुछ गलत बोल दिया और आपने उसी बेसिस पे आपने कोई चीज़ किया, बाद में वो गलत हो गया, तो आपके पास प्रूफ नहीं है ना भाई, ओरल में प्रूफ नहीं होता, सिंपल सा है, ठीक है। ऑथेंटिक भी उतना नहीं होता, पूरा पर्सनल ट्रीट होता है, ठीक है। नो लीगल स्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं, तो लीगल स्टैंडिंग भी नहीं होगी, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ों से हम जो ये अपना ओरल कम्युनिकेशन को इसके लिए मतलब इंप्रूव कर सकते हैं, पहला अच्छे से बोलना चाहिए, ठीक है, उसको रिलेट होना चाहिए, अवॉइड यूजिंग फिल्टर वर्ड्स, ठीक है, लाइक या, ठीक है, जो आजकल ऐसे व्हाट्सएप पे करते हैं या ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें बंद करनी चाहिए। एसेंशियल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, क्या क्या एसेंशियल होता है, एसेंशियल मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे और अच्छा हो जाए हमारा ओरल कम्युनिकेशन। तो पहला क्या है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या क्लियर होना चाहिए, मेरी भी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक मेरे लिए डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। प्रिसीजन होना चाहिए, ब्रीविटी होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है। एसेंशियल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन आता है, इसके भी एडवांटेज होते हैं, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि कोई प्रूफ नहीं होता, यहाँ पे प्रूफ होता है, ठीक है। सेंडर कैन राइट एंड री राइट मेक एरर इफ बिफोर एनी सेंडिंग, ठीक है। सेंडर जो होता है उसको भेजने से पहले उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको काट के ठीक कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ठीक है। सेंडर डज नॉट हैव गुड कमांड ऑन लैंग्वेज, अगर सेंडर के पास कमांड लैंग्वेज की कमांड नहीं है तो उसको प्रॉब्लम है, उसके लिए तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। फीडबैक तुरंत नहीं आता, क्योंकि आप लिखोगे उसके पास जाएगा, वो पढ़ेगा, वो आपको लिख के से फीडबैक देगा, ठीक है। पर्सनल टच भी नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे हमने ओरल का प्रिंसिपल पढ़ा कि हमें साफ से बोलना चाहिए, ठीक है, जल्दी वो करना चाहिए। इसके क्या होते हैं, क्लियरिटी होनी चाहिए आपका लिखने में, कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए, इसमें भी आपको ऐसा नहीं शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉर्टेसी होनी चाहिए, ठीक है, करेक्टनेस होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके प्रिंसिपल होते हैं किसके, रिटन कम्युनिकेशन के। फिर उसके बाद विजुअल आता है, तो विजुअल क्या होता है, इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट अबव, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन अलोन हैज़ सर्टेन लिमिटेशन विच मे बी क्रिएट पुअर इंप्रेशन ऑन द रिसिपेंट एंड द डिजायर रिजल्ट इज नॉट अचीव इन ऑर्डर टू ओवरकम डिफिकल्टी मैनी बिजनेस नाउ यूज
विजुअल एड्स सच एज पिक्चर, प्रोग्रेस चार्ट, ठीक है, मैप्स, ग्राफ्स, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब किस में आते हैं, विजुअल और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख लेना, ठीक है। अब देखो ये तो विजुअल वाला तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हो गया, लोग वर्क टू होम कर रहे हैं तो उसमें विजुअल और यही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना इसके क्या क्या पॉपुलर बहुत ज़्यादा होता है, सपोर्ट ओरल कमांड करता है, प्रेजेंटेशन हो जाता है, हेल्पफुल फॉर रूरल क्लाइंट के लिए भी हो जाता है, टाइम बच जाता है आपका, डिसीजन मेकिंग क्या होता है आसान हो जाती है, पब्लिसिटी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और पैसे भी थोड़े का भी लग जाते हैं क्योंकि आपको ग्राफिक बनाना है, ठीक है, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पर्सन रखना होगा, ठीक है, जिसको आप भेज दो, उसके पास अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। टाइम कंज्यूम कभी कभी कर जाता है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसमें टाइम कंज्यूम कर सकता है, समटाइम मोर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा उसमें सेटिंग करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है। साइलेंस भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, इस पर भी क्या होता है साइलेंस, हम अब देखो साइलेंस आप लिख सकते हो कैसा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बिना बोले हम अपने बिना बोले भी बहुत सारी चीज़ें हम वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो ये साइलेंस होता है। इसके इसमें क्या होता है, हमें एम्बैरेसमेंट से बचाता है, मान लो आपको बोलने से डरते हो तो आपको बचा लेगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लेना, इसके डिसएडवांटेज देख लेना, ठीक है। ये वाला हमारा खत्म हो गया, अब आता है नॉन वर्बल, ठीक है। तो एक होता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी देखो टू कम्युनिकेट विद बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड किनेसिक, और किनेसिक कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। किनेसिक में भी डिफाइन है स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं स्टडी, क्योंकि आप बॉडी मूवमेंट से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो सामने वाले को भी आना चाहिए, ठीक है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे ऐसे हो गया आपको किसी ने बोला कि हाँ यार मेरा ये कर दे, तो आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, ऐसे मुँह पे हाथ रख के बोल रहे हो, ठीक है, साइड सा फेस बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई आपको तो आप जैसे टायर्ड फील होते हो तो आप ऐसे आगे चलते हो, जैसे इसमें बनाया गया तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लीज करते हो तो आप बिना बोले, प्लीज बिना बोले आप क्या कर सकते हो, हाथ जोड़ सकते हो, जिससे आपको वो समझ जाएगा, ठीक है, ये होता है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जैसे हाँ जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखें, अब देखो इसमें क्या है, इसी में इसको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, इसमें पता चल रहा है थोड़ा सा गुस्से टाइप का है, ठीक है, मैं हंस रहा है, इसमें गुस्सा है, इसमें हल्का फुल्का खुश है, ठीक है, इसमें शॉक्ड है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने देखी होगा अगर मिर्जापुर किसी ने देखी होगी तो उसमें जो वो होते हैं वो क्या करते हैं पूरे प्रोसेस में क्या मतलब मोस्ट ऑफ मतलब उसने पूरी मूवी में क्या किया है फेशियल एक्सप्रेशन पर काम किया है, बस मुंडी हिला देते हैं, हाँ खत्म करो इसको, ठीक है। तो वही होता है इसमें भी, फेशियल एक्सप्रेशन में भी यही होता है, ठीक है। इसमें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, तो इसको आपको नॉर्मल से याद रखना है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। पोस्चर क्या होता है, पोस्चर आपको देख लेना, जैसे ये हो गया, ठीक है, पोस्चर बैठने का तरीका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप देखते हो इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी का, तो उसमें बैठने के तरीके तक नोट करते हैं वो कि आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे नहीं बैठ रहे, तो ये चीज़ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखो बुक में ये चीज़ें दी हुई है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप नोट्स जो देखोगे उसमें बहुत जगह नहीं होता है ये, लेकिन यहाँ पे है तो आप इसको ज्यादा प्रीफर करो, ठीक है। नोट्स बाय कर सकते हो अगर आपके पास, देखो नोट्स यार किनके लिए होता है, जिनके पास टाइम नहीं है, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा, जिनको फिल्टर चीज़ें चाहिए, उनके लिए नोट्स होता है। ये नहीं होता कि नोट्स यार तुम्हें बिल्कुल 100 में से 100 नंबर दिलवा देगा, नहीं यार, नोट्स उनके लिए होता है जिनके पास टाइम कम है, जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं उस नोट्स को पढ़ के पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, टच भी होता है, टच करने से भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, आपको नहीं करना, ये कर रहा है आप, ये कर लेना, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इसके चांसेस है ये वाला, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स या अपीयरेंस कर लेना, ठीक है, आप अपीयरेंस भी बहुत सारी चीज़ें शो करती हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज हो गया, ये देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट में मैंने बताया ना 40 नंबर का आता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वर्ड बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आप देखोगे क्या कह रही, तो कभी हमने देखा नहीं इसको क्या करना, रहने दो, लेकिन यही पूछ लेंगे, ठीक है, तो यहीं आप घूम जाओगे। फिर इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आपको क्या करना होगा तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये भी यूनिट लगभग खत्म हो गई है, ठीक है। यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे, लाइक व्हाट यू मीन बाय ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाउ कैन ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इंप्रूव्ड, इसमें क्या बताना है आपको, प्रिंसिपल बताना है, डिस्क्राइब विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 पे, इसमें आपको क्या करना है, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, ठीक है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, जो हम कंपनी में यूज करते हैं कम्युनिकेशन, वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहीं पर वो बताया गया है कि कौन कौन से होते हैं, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। देखो ये रहा टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फिर रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, रोल क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, कैसे हेल्प करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप अपने आप क्लियर कर लोगे, ये चीज आपको बताऊंगी तो कॉन्सेप्ट तो इजी चीज़ है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, बिजनेस इज सच एज एंटरप्राइज वेयर एंड नंबर ऑफ स्टॉक होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर सच एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, सप्लायर, रिटेलर एक्सेट्रा है, वो मतलब वो क्या करते हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कम्युनिकेशन कैसे वो होता है, बिजनेस में जितना ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपका बिजनेस क्या होगा, उतना ज्यादा ग्रो होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे इफ द कम्युनिकेशन रिलेटेड टू बिजनेस, कोई भी कम्युनिकेशन जो बिजनेस से रिलेटेड हो क्या कहलाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। बाकी आप इसको लंबा करना चाहते हो तो इसमें दो एग्जांपल दो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर उनकी कॉन्वर्सेशन को ऐड कर सकते हो, जिससे लंबा हो जाए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी
बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच बिजनेस रिलेटेड टू आइडिया प्लान स्ट्रेटजी मैसेज ठीक है एक्सचेंज ऑफ देयर थॉट्स ठीक है तो ये क्या कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसमें एक चीज आती है लाइक दिखाता हूँ हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है जैसे हमने कम्युनिकेशन पढ़ा वो फॉर्मल नहीं होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है बट बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्मल रहता है। देर आर नो पर्सनल फीलिंग और इमोशन वहाँ पे फीलिंग और इमोशन तो लानी नहीं होती भाई इमोशन और फीलिंग लाओगे तो घर जाओ आप नहीं घर जाके लाना ये सब सारी चीज़ें इट डील विद बिजनेस रिलेटेड मैटर ओनली ये बस बिजनेस रिलेटेड मैटर को डील करता है ठीक है ऑब्जेक्टिव होता है ये ठीक है सब्जेक्टिव नहीं होता है ठीक है सर्टेन फॉर्मेट होता है हर चीज़ का क्या होता है इसमें फॉर्मेट होता है ठीक है तो यही होता है चीज़ ये तो देख लेना आप ठीक है ज़्यादा आपको देखना नहीं चाहिए इसमें। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैंने बताया पहला ऑब्जेक्टिव होता है फिर क्लैरिटी ज़्यादा होती है ब्रेविटी ज़्यादा होती है ठीक है फैक्चुअल होता है इसमें आपको अपने थॉट्स इमोशन नहीं भर सकते प्रैक्टिकल होता है ये सब ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ये सारे पॉइंट डायनेमिक होता है कंटिन्यूअस होता है ठीक है पर वैसे होता है ठीक है तो ये सब देख लेना पॉइंट्स इसके ठीक है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ऐसी लंबी हो जाएगी ठीक है आप चीज़ें मैं मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख लेना एक बार ठीक है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है स्पेसिफिक होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बाकी क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस मैं बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं ठीक है इंटरनल में क्या क्या होता है एक तो डाउनवर्ड फ्लो होता है डाउनवर्ड फ्लो मतलब ऊपर से क्या करता है नीचे जाता है जैसे पहले प्रोडक्शन कोई फैक्ट्री है ठीक है तो प्रोडक्शन मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देगा वो किस पे जाएगा असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर पे जाएगा फिर प्रोडक्शन सुपरवाइजर पे जाएगा फिर वर्कर पे जाएगा तो ये क्या होता है डाउनवर्ड होता है डाउनवर्ड फ्लो होता है। फिर उसके बाद डाउनवर्ड के बाद क्या होता है अपवर्ड फ्लो होगा उसमें नीचे से कोई चीज़ मान लो कोई दिक्कत हो गई तो वर्कर किसको बताएगा प्रोडक्शन सुपरवाइजर को प्रोडक्शन सुपरवाइजर असिस्टेंट को बताएगा असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा ठीक है इससे भी ऊपर के जो होते हैं वो भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें वो आप देखोगे। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल भी होता है इट इज ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन इन दिस मोड कम्युनिकेशन फ्लो अमंग द एम्प्लॉई एट द सेम लेवल ठीक है जो हायरची होती है इसकी सेम लेवल पे वो फ्लो करती है ठीक है कम्युनिकेशन सेम लेवल पे फ्लो करता है लाइक परचेस मैनेजर जो है क्वालिटी मैनेजर से सीधा कांटेक्ट कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट कर सकता है ठीक है तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या है डायगोनल फ्लो भी होता है बहुत बार डायगोनल फ्लो में क्या होता है आप सीधा इससे ना जाकर देखो इसमें दिखाया गया डायगोनल फ्लो का चार्ट आप ऐसे करके कांटेक्ट कर सकते हो ये इससे कर सकता है ये इससे कर सकता है तो ये डायगोनली बोलते हैं ठीक है। फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं ठीक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है इट रेफर्स कम्युनिकेशन बाई कंपनी सुपरविजन सुपरवाइजर्स और वर्कर विद आउटसाइड इंडिविजुअल और एजेंसी टू इन कनेक्ट विद कंपनीज वर्क ठीक है जो कंपनी से रिलेटेड वही होना चाहिए ठीक है एज जनरल रूल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मोर फॉर्मल ठीक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है फॉर्मल होता है यूजली डन इज डन ऑन बिजनेस लेटर हैड फॉर एग्जाम्पल मैनेजर ऑफ द प्रोसीमेंट डिपार्टमेंट में भी कम्युनिकेट विद द सप्लायर वेंडर ठीक है तो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है कि हाँ हम ये चीज़ें बना रहे हैं आप ये चीज़ें परचेज करिए हमसे ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के तो टू क्रिएट पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज उनको अच्छी बनानी होती है इसलिए वो क्योंकि आप खुद ही वो कर रहे हो काम करोगे तो आपको बाहर वाले से तो कम्युनिकेट करना ही है ना आपको अपनी चीज़ें बेचनी है आपको अपना प्रमोशन करना है ठीक है आपको प्रमोट करना है ठीक है एडवर्टाइज करना है तो बाहर कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू मार्केट ठीक है नई मार्केट का आपको क्या करना है आइडेंटिफिकेशन करना है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देना है रिलेशन विद सप्लायर सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है ठीक है रिलेटेड उससे आपको अगर फाइनेंस की जरूरत हो तो रिलेशन अच्छे रखने चाहिए कि जब चाहे आप ले सकते हो ठीक है तो ये हो जाते हैं। फिर रोल क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में आया हुआ है रिपीट भी हो सकता है तो इसको तो आप इंपॉर्टेंट टिक ही कर लेना ठीक है। पहला क्या होता है मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दूसरा क्या होता है स्मूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट इसमें क्या होता है देखो कम्युनिकेशन हेल्प इन ट्रांसमिटिंग वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है द इन्फॉर्मेशन मे बी डिजिटल फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ पोस्टर लेटर ब्रोशर ठीक है द इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी मेक द मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वेरी फास्ट एंड मैनेजमेंट कैन रिमेन इन टच विद द एम्प्लॉय एंड विद द आउटसाइड एजेंसी ठीक है तो ये क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी मूवमेंट में क्या करता है हेल्प करता है ठीक है इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भेजने में क्या करता है हेल्प करता है स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होगी आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे चलेगा जहाँ कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आया उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है यही है इस प्रॉब्लम में। प्रॉपर प्लानिंग जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी आप कम्युनिकेट करके प्लानिंग भी इतनी अच्छी कर सकते हो और प्लानिंग जहाँ अच्छी हुई आप उस पर उस प्लान को लेके उस प्लान के थ्रू आप डिसीजन में ले सकते हो अच्छे खासे ठीक है। फिर बेसिक इनकॉर्पोरेशन ठीक है कॉर्पोरेशन में क्या होता है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए जहाँ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती वो कॉर्पोरेट अच्छा नहीं हो पाता है ठीक है क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अच्छे से तो कहाँ से करोगे ठीक है। बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने बताया था पहली वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन क्या करते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं इफेक्टिव और पब्लिक रिलेशन ठीक है कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो आपकी कंपनी का पब्लिक रिलेशन भी क्या होता है अच्छा होता है लीडरशिप। अब देखो कोऑर्डिनेट जो वही बंदे कर पाते हैं ठीक है क्लास का मॉडल किसे बनाते हैं जो शाई नहीं होता ठीक है जो बहुत ब्रेव होता है ठीक है जिसको नॉलेज अच्छी खासी होती है क्यों क्योंकि वही भाई कोई बाहर से आएगा तो कम्युनिकेट वो उसी से करेगा ठीक है क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई तो टीचर से प्रिंसिपल से कम्युनिकेट वही करेगा तो लीडरशिप भी यही आता है ठीक है हार्मोनी मेंटेन करने में भी ये हेल्प करती है ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस यूनिट के ठीक है। अब यहाँ पर टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है हमने कर लिया ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी कर लिया ठीक है। फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ठीक है ये आप ऑब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट नोट्स में कर सकते हो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ठीक है तो ये स्किप कर देना ठीक है इसको मैं नहीं बोलूंगा करने के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो यूनिट फोर को ज़्यादा नहीं करना ठीक है स्किप भी कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है आप इसको स्किप कर देना नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं हम।
ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 5 है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के चैनल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चैनल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैनल होते हैं। ठीक है, फिर देखो चैनल्स देख लो आप कौन कौन से होते हैं चैनल्स। ठीक है, किसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन चैनल, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कम्युनिकेशन के चैनल को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ मैसेज। ठीक है, बिफोर चूजिंग अ चैनल इट ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली असेस द नेचर ऑफ मैसेज। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट थिंक ओवर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, क्या हो गया, जैसे मैसेज क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। ठीक है, मैसेज इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि नहीं, ये अर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, अर्जेंट होगा तुरंत भेजेंगे, नहीं होगा तो हाँ चलो रख देंगे, बाद में भेज देंगे और जरूरी काम करके। ठीक है, तो पहला तो ये होगा नेचर क्या है मैसेज का, दूसरा क्या है पर्पस ऑफ मैसेज, पर्पस किस लिए, मोटिवेट करने के लिए है या फिर सोशल है या फिर सबऑर्डिनेट है या फिर स्टाफ के लिए है। ठीक है, तो पर्पस भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या थर्ड, ठीक है सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट क्या है, इज इट इंट्रोडक्शन विद द रिसीवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जो रिसीवर को जाना है उससे उसके साथ इंट्रोडक्शन जो है वो जरूरी है या नहीं है। ठीक है, इज इट अबाउट शोइंग सम फीचर ऑफ डिवाइस, क्या ये कुछ फीचर डिवाइस शो करने के लिए, साइज ऑफ ऑडियंस क्या है, एक लोग को दिखाना है, दो लोग को दिखाना है या 1000 लोग को दिखाना है। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ ऑडियंस, ठीक है जो ऑडियंस है उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये सब है। फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट बेस्ड जो होते हैं चैनल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर प्राइमरी टू टाइप्स ऑफ चैनल, पहला फॉर्मल चैनल होता है, दूसरा इनफॉर्मल चैनल होता है। और फॉर्मल में क्या चीज़ें होती हैं, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू प्री डिफाइंड फॉर्मल चैनल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टिपिकली सेंड बाय टॉप मैनेजमेंट टू वेरियस डिपार्टमेंट, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो टॉप मैनेजमेंट किसको भेजता है, अपने से लोअर डिपार्टमेंट को भेजता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये हो गया, आप देख सकते हैं इसमें भेजा हुआ है कुछ, ठीक है लेटर लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड होता है क्योंकि रिटेन में भेजेंगे, उधर तो भेजेंगे नहीं। ठीक है, एफिशिएंसी क्या करता है, इंक्लूड इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है क्या चीज़, एफिशिएंसी। दूसरा क्या है, इनकलकेट्स डिसिप्लिन, सिंपली देखो लैंग्वेज मत जाना इस पर। ठीक है, क्या करता है, डिसिप्लिन को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे टॉप आपने देखा होगा प्रिंसिपल मान लो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो प्रिंसिपल की वजह से कौन ज़्यादा वो हो जाते हैं, प्रिंसिपल की वजह से या जो टीचर होते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, टीचर की वजह से मॉनिटर की वजह से स्टूडेंट। ठीक है, तो डिसिप्लिन बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, डेलीगेशन जो होता है अथॉरिटी का अच्छा कर देता है। ठीक है, डेलीगेशन मतलब जो पावर्स होते हैं जो वो करते हैं वो भी सही कर देता है। फ्री फ्रॉम मिस्टेक, मिस्टेक फ्री होता है। सर देखो टॉप और मैनेजमेंट जब ऑर्डर भेजता है तो बहुत सोच समझ के भेजते हैं, तो इसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या होता है, स्लो होता है। क्यों, क्योंकि एक जो होता है हायरार्की होती है, जो उससे दूसरे पे आएगी वो सोचेंगे समझेंगे फिर उसको नीचे डिलीवर करेंगे, वो नीचे डिलीवर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो ही जाती है। लैक ऑफ पर्सनल टच, ठीक है पर्सनल टच नहीं होता है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारे वो हो जाते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, इट इज़ नॉन ऑफिशियल नॉन स्ट्रक्चर्ड रूट ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गुड रिलेशनशिप इज फॉस्टेड बाय कंपनी। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें पर्सनल टच भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसमें फीलिंग्स भी होती हैं, फीडबैक होते हैं, तो ये हो जाता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, देखो इफ एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, इंजीनियरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंप्लॉई आर इनकरेज टू मेक सजेशन एंड न्यू अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल में क्या होता है, आप अपने सजेशन भी बता सकते हो किसी को। क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मल नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। ठीक है, कॉर्डियलिटी में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एस्टेब्लिश करता है ये। ठीक है, टाइम बचाता है हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम होती है कोई तो हम टॉप मैनेजमेंट पे क्या डिपेंडेंट नहीं होते, हम अपने भी जो आंसर्स होते हैं, अपने भी जो सजेशन होते हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, इंड्यूसेस सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, ये सब एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, लीगल एविडेंस नहीं होता, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो सारे लोग अपने सजेशन देंगे। ठीक है, सिक्रेसी भी नहीं होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है। ठीक है, ईद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, उसके लिए कोई खास पर्सनल कोई एक पर्टिकुलर जो होता है एम्प्लॉई वो जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, र्यूमर भी फैला सकता है कि हाँ इसने ये बोला ये बोला। ठीक है, फिर डायरेक्शन बेस्ड भी चैनल होते हैं, इसमें डाउनवर्ड हो जाता है एक। ठीक है, एक अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड जो हमने पढ़ा था यहाँ पे वो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, इसमें डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। और एक हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा था, वो शायद मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, तो तीन हमने कर लिए, कौन कौन सा, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। ठीक है, चैनल अपवर्ड में क्या होता होगा, जो नीचे से ऊपर जाता होगा, वर्कर देता होगा अपने से हायर पोजीशन उसको, फिर वो अपने से हायर को भेजता होगा, वो अपने से हायर को भेजता होगा। डाउनवर्ड में क्या होता है, सबसे टॉप मैनेजमेंट भेजती होगी लोअर मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट उससे लोअर मैनेजमेंट को, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स आप थोड़ा सा देख लेना, ये मैं भेज दिया है अपने ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब उसके बाद एक्सपर्ट
एक्सप्रेशन बेस्ड चैनल भी होते हैं, ओरल चैनल हो गया, जैसे फेस टू फेस और पर्सनल कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब भी चैनल होते हैं, इलेक्ट्रिक चैनल हो जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तुरंत फीडबैक मिल जाता है आपने फोन किया, हाँ भाई क्या गलती है, क्या हो रहा है बताओ हमें, तो तुरंत बता देंगे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये हो रहा है, तो भी उसको रिजल्ट जल्दी दे देंगे। टाइम बच जाता है क्योंकि वो उसमें हायरार्की आपको फॉलो नहीं करनी होती, ठीक है। आपको 10 बंदों को उसमें मतलब जो आप कुछ लिख के भेजते हो तो पहले ये देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखते देखते टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो टाइम बच जाएगा। पर्सनल टच भी होता है, ठीक है। आपसे पूछेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में बताओगे ना, आप लिख के नहीं दोगे, ठीक है। पैसे भी बचा देता है, इफेक्टिव भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, और सेक्रेसी को भी मेंटेन करता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। आपने फोन करके बोल दिया, उसने रिकॉर्डिंग नहीं की किसी ने, तो आपका वो गलती हो जाएगा। मान लो कुछ गलत आपने इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसका रिकॉर्ड तो नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, आपने क्या बोला, उन्होंने क्या सुना, ठीक है। फिर स्पीच भी, जैसे देखो समटाइम द सेंडर इज नॉट एबल टू स्पीक अच्छे से, ठीक है। मतलब ड्यू कमांड जो होती है, मतलब लो कमांड होती है कम्युनिकेशन पे, जैसे कभी कभी मैं वर्ड को क्या करता हूँ, मिस स्पेल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाती है, इसमें स्पीच जो होती है वो इनकोहेरेंट हो जाती है, ठीक है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग मेन सब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी होती है जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी में गलती कर दे। एक्सपेंसिव भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करें तो एक्सपेंसिव हो जाता है, फिर उसकी वजह से डिसीजन भी क्या हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। फिर रिटर्न होता है, ठीक है। रिटर्न में भी इसके एडवांटेज वही होंगे जो हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़े थे ना, ओरल, रिटर्न, ठीक है, मीडिया, उसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इसमें लिख देने, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लेता है, वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये भी यूनिट खत्म हो जाती है, इसके इंपॉर्टेंट जो भी मैंने चीज़ें थी बता दी। अब जो हमने जितने भी चीज़ें अभी तक पढ़ी है ना, ये आपका 60 नंबर कवर करेगा, कन्फर्म है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपने बोला था ना कि हाँ आप बताए थे जो नहीं आए, ठीक है। अब ये आप पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ो, इससे बाहर आए तो आप मुझे बताओ, ठीक है। 60 नंबर आपका कवर हो गया, बाकी 40 नंबर के लिए हमें क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो आप ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आपको वीडियो भी लंबी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। पहला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ रूल्स होंगे, फिर जो लेटर होता है फॉर्म क्या होती है लेटर की, ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, अरेंजमेंट क्या करते हैं हम लेटर का, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है अच्छे से, इसमें मिल जाएगा आपको। देखो जैसे ये रहा बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, पहला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए, जैसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल लेटर मतलब जो प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, जो बिजनेस लेटर होते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं वो आपको करना है, ठीक है। पेपर में आने के इसके चांस भी हैं, अच्छे खासे चांस हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना है, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर लगेंगे, जितने मैंने पॉइंट्स बताए उनको बस आप रिवाइज कर लो। करेक्टनेस होता है, ठीक है, कंप्लीटनेस होता है, ठीक है, ओरिजिनलिटी होती है, क्योंकि आप ये रिटर्न फॉर्म है ना, तो रिटर्न फॉर्म में वो यही चीज़ें होती हैं सब, ठीक है। नीटनेस होती है, वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से लिखते हो, इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, चीज़ें बिजनेस लेटर में होती हैं, किसमें होती है, बिजनेस लेटर में होती हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें देखते हैं अब। देखो इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ अ बिजनेस लेटर, ठीक है। क्या क्या इसका अरेंजमेंट होता है, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, तो आपको देखना है। पहले फॉर्म ऑफ लेटर, ठीक है, क्या क्या कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है। पहला होता है पेपर ऑफ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड साइज शुड बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियल लेटर होते हैं उनके लिए अच्छे पेपर, अच्छे साइज के पेपर, ठीक है। ये नहीं कोई भी आपने कॉपी का पेज निकाला उस पर लिख दे, नहीं, ठीक है। प्रॉपर क्योर शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग और ओवर डेकोरेशन, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है, कोई फालतू चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। प्रॉपर रिसीवर का नाम, सेंडर का नाम, फोन नंबर, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है। टाइपिंग, ऑल ऑफिस लेटर शुड बी नीटली टाइप बाई एन इफेक्टिव टाइपिस्ट, ठीक है। यूजली ऑफिशियल लेटर आर टाइप इन सिंगल स्पेस लाइन, ठीक है, और डबल स्पेस लाइन द पैराग्राफ, ठीक है। वन और उसकी एक जो डबल कॉपी होती है वो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रखनी चाहिए। मार्जिन भी देना चाहिए आपको लेफ्ट राइट में, ठीक है। फोल्डिंग होनी चाहिए, फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग ऑफ लेटर इज डन अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड साइज ऑफ इन्वेलप, ठीक है। उसके बाद क्या, इन्वेलप अच्छे से देना चाहिए, जैसे आप लिफाफा लिखते हो कुछ तो उसको पैक किस में कर रहे हो, वो चीज़ें, ठीक है। फिर एड्रेस जो इन्वेलप होता है उसके ऊपर एड्रेस लिखना, ठीक है, एड्रेस होता हो जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए जिससे आप कर सको, नाम होना चाहिए किसको भेजना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमने क्या क्या पढ़ा, पहला होता है पेपर अच्छा होना चाहिए, दूसरा टाइपिंग ढंग से होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए, फोल्डिंग, एनवलप, एनवलप के ऊपर नाम, फुल नाम, एड्रेस और कम्युनिकेशन की कोई भी डिटेल दे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें बोल सकता है व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस लेटर, या पूछ सकता है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लेटर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है, ये पेपर में आने के इसके भी चांस काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो ये तो हो गया हमारा डन, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन था, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट हो गया, जैसे अरेंजमेंट पूछेगा तो क्या करना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको पता होना चाहिए बिजनेस जो लेटर हम लिखते हैं वो क्या होता है, पहला हेडिंग होता है, ठीक है। हेडिंग में क्या आता है, फॉर्म नेम आ जाता है, ठीक है, सेंडर एड्रेस आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगला क्या आता है, पंक्चुएशन में फुल आपको पंक्चुएशन ढंग से देनी है, ठीक है। नो फुल स्टॉप यूज एट द एंड ऑफ ईच, ठीक है, सबके आगे फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पंक्चुएशन आपको अच्छे से देनी है, ठीक है, एड्रेस ढंग से देना है, कॉमा अच्छे से लगाना है, ठीक है। फिर
इनसाइडर एड्रेस इन बिजनेस लेटर, सेंडर्स एड्रेस इन रिटर्न, जो सेंडर का एड्रेस होता है कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो लेफ्ट में आपको लिखना है उसको, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इसका सिंपल सा वो भेज रखा है नोट्स में पेड वाले, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, क्या अरेंजमेंट हो गया, किस में कैसे अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो अरेंजमेंट आप देख लेना, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको लेटर आना चाहिए लिखना, ठीक है। लेटर क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए लेटर अच्छे से लिखना, ठीक है। ये आप स्किप कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बन सकता है, जो जैसे पूछ लेगा, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं वो बताना है आपको। तो मैंने बता दिया था, गुड लेटर इज वन विच क्लियर एंड ब्रीफ, तो इस पर कमेंट करना है, ठीक है। तो लेटर जो मैंने बताया, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, राइटिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीफली डिस्कस अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वो बताना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। उसके बाद क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बिजनेस लेटर, ठीक है। उस बिजनेस लेटर ऊपर हमने देखा, यहाँ भी बिजनेस लेटर है, इसमें से दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला है एसेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर, ठीक है, स्टाइल आप मत करना, कोई जरूरत नहीं, एसेंशियल जरूर करना है। फिर काइंड ऑफ बिजनेस लेटर, कौन कौन से काइंड के होते हैं, लाइक बैंकिंग लेटर हो गया, ठीक है, स्टेटस लेटर हो गया, एजेंसी लेटर हो गया, ठीक है, लेटर ऑफ क्लेम कंप्लेंट, ठीक है। तो ये सारे आपको लिखने आने चाहिए। देखो लिखना क्या है, फॉर्मेट सबका सेम होता है, बस सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करना है, लिखने का तरीका, जो उस बात करने का तरीका होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए। ये आप अच्छे से कर लेना, बाकी इसमें कवर हो जाएगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एसेंशियल बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। पहला एसेंशियल क्या होता है, देखो यार लेटर आप लिख रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको हर चीज़ में शेप देनी है वो क्या है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मान लो आपने सब्जेक्ट कुछ और लिखा और अंदर कुछ और लिख रहे हो तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर एग्जैक्टनेस होना चाहिए, ठीक है, ब्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस मैन बोथ एज अ राइटर और रिसीवर ऑफ अ लेटर हैज़ लिटल टाइम फॉर अननेसेसरी डिटेल, ठीक है। मतलब आपको फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी, अपने इमोशन उसमें नहीं भरने, आपको जो डिटेल टू डिटेल चीज़ें भरनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पोलाइटनेस होना चाहिए, कॉर्टेसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, आप उसमें आप रूडली नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखने में भी आपको दिख जाती है, जो आप लिखते भी होना चाहिए उसमें भी दिख जाती है कि आप रूड हो रहे हो या क्या हो रहे हो, ठीक है, वो चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। कन्विंसिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, अपीलिंग और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। नीटनेस तो होना ही होना चाहिए। फिर साइज ऑफ स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर, तो स्टाइल ज़्यादा जरूरी नहीं, आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, हमें इसमें क्या करना था, एसेंशियल या फिर जो रोल होता है रोल ऑफ बिजनेस लेटर, या फिर एसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यही पूछेगा एसेंशियल क्या होते हैं बिजनेस लेटर के, तो ये सारे पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। बाकी बिजनेस लेटर के टाइप्स के जो जो होते हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से देख के चले जाना। बिजनेस लेटर लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, बाय चांस आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना, बिजनेस लेटर लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये सब बिजनेस लेटर ही है जो आप कर सकते हो, ठीक है, देख लेना आप, जैसे पेमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू बैंक है, तो ये सारे लेटर हैं, टाइप्स हैं। तो आपको लेटर के लिए कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप कर सकते हो, क्योंकि लेटर आएगा ना तो इसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, एसेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर, बस आप इसको अच्छे से करके जाना, हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आप ये सारे लेटर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम तो ज़्यादा नहीं है तो प्रैक्टिस करनी है, तो ये लेटर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेकंड, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, पब्लिसिटी क्या होती है। फिर उसके बाद पोस्टल सर्विस में क्या क्या आते हैं, लाइक टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है, फिर मेल पोस्टल सर्विस आ जाता है, तो ये इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं आता है इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये आप मैं बोलूँगा आप इसको स्किप कर दो, ठीक है, इसको स्किप कर दो, क्योंकि 60 नंबर हमारे उधर कवर हो गए, 20-40 नंबर के लिए हमें ये फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट पॉइंट बता देता हूँ आपको क्या रीड करना है, ठीक है। आपको देखो लास्ट वाला पॉइंट बताता हूँ, आपको सीवी थोड़ा सा रीड कर लेना है, ठीक है, क्या रीड करना है आपको, सीवी क्या होता है, बिजनेस जो आपको जॉब इंटरव्यू के क्या क्या एसेंशियल होते हैं वो रीड कर देना है, ठीक है। आपको वो ज़्यादा सीवी तो अच्छे से करके जाना, आप सीवी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, राइटिंग का कर्कुलम विटाई होता है क्या, कर्कुलम विटाई इज लैटिन, मतलब लैटिन में कर्कुलम विटाई का मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, इट इज़ अ साइज डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड्स एप्लीकेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल स्किल प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस, द पर्पस ऑफ सीवी टू शो एप्लीकेंट्स एबिलिटी एंड जॉब एफिशिएंसी, ठीक है। शॉर्टर वर्जन क्या होता है, सीवी का रिज्यूमे होता है, ठीक है, नॉर्मली रिज्यूमे इज वन पेज समरी ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, वेयर सीवी इज लॉन्गर डॉक्यूमेंट ऑफ 3 or 4 pages, ठीक है। तो सीवी क्या होता है, ज्यादातर सीवी उन लोगों का होता है, उन एप्लीकेंट का होता है जिनको क्या होता है एक्सपीरियंस बहुत सारा होता है, प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। अब सीवी में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सीक्वेंस होता है वो आप देख लो, ये पेपर में पूछता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना, पहला नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, टेक्निकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल, अचीवमेंट्स, रेफरेंस और इंटरेस्ट, ठीक है। यही चीज़ आपको डिटेल में यहाँ से बताएंगे, तो आपको ये चीज़ें बस देख लेनी, कॉपी में नोट कर लेना, पेपर में ये चीज़ आपको लिख के आनी है। जैसे पूछ लेगा व्हाट इज करिकुलम विटाए, एक्सप्लेन सीक्वेंस और हेडिंग्स और इन सीवी, तो ये हेडिंग्स आपको लिखनी है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना आपको अच्छे से आता ही होगा, तो आप एक्सप्लेन करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग हैं जॉब उन्होंने की होगी, रिज्यूम बनाया होगा, तो ये चीज़ आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो सीवी आप कर लोगे, सीवी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए और उसके अंदर सीवी को अटैच करना चाहिए, सीवी में हम क्या करते हैं उसमें अटैच करते हैं ना, तो जॉब एप्लीकेशन आपको लिखना आना चाहिए। देखो एक सैंपल दे रखा है यहाँ पे,
जॉब एप्लीकेशन का, सबसे पहले क्या देखा सब्जेक्ट, ऊपर आपको एड्रेस भी डालना है, बट यहाँ पे इन्होंने क्रॉप करके देखा है सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग मैनेजर, डियर मिस्टर एक्स वाई जेड दिस इज विथ रेफरेंस ऑफ रेफरेंस टू द वैकेंसी ऑफ मार्केटिंग मैनेजर पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट डेटेड दिस, ठीक है, आई कंप्लीटेड एमबीए फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल इग्नू, ठीक है, न्यू दिल्ली, इन द ईयर लिख देना आपको कौन से ईयर में आपने किया था, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो डिटेल्स है ना आपको थोड़ा सा आप बॉक्स बना के लिखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ईमेल्स तो आप अभी ऐसे लिख रहे हैं, बट जो आप सीवी बनाते हैं, जो रिज्यूम बनाते हैं, वो आप क्या कंप्यूटर में बनाते हैं, तो उसमें ना ऑप्शन आ जाता है वो बॉक्स का, ठीक है, तो बॉक्स बना के लिखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना फॉर्मेट, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है क्योंकि इग्नू का है, तो आपको इग्नू के फॉर्मेट में लिखना है, अपना कोई पर्सनल टच मत देना ज्यादा इसमें, ठीक है। तो इनका फॉर्मेट यूज करना क्योंकि इनका फॉर्मेट ईजी भी होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन लेटर, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए वाइल एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, पहला सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, किसको लिख रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन डियर मैम डियर सर, ठीक है, क्या लगाना है आपको वो याद रखना चाहिए, डियर लगाना है आपको, डियर मैम डियर सर, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, तो देखो इन लेटर्स की ना कन्फर्म चीज़ें होती हैं कुछ कुछ, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या कन्फर्म होगा, दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ द वैकेंसी फॉर द रोल ऑफ जो भी आपका रोल है मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर जो भी हो आप लिख सकते हो, एज पोस्टेड ऑन वेबसाइट, जो भी वेबसाइट का नाम है वो लिख देना है, इफ यू कम टू नो अबाउट द वैकेंसी तो रेफरेंस गिव अ नेम, ठीक है, जो भी अगर आपको रेफरेंस पता है तो रेफरेंस का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ आई कम टू नो अबाउट द वैकेंसी ऑफ मार्केटिंग मैनेजर थ्रू अ मेंबर ऑफ योर टीम, उसका नाम लिख देना, डेजिग्नेशन लिख देना, बट बिफोर राइटिंग द नेम सीक हर परमिशन, ठीक है, उसका नाम लिख रहे हो बिना परमिशन के तो गलत बात है, एक बार उससे परमिशन ले लेना। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या आता है, अपने बारे में अचीवमेंट स्किल इन सब के बारे में बताना है आपको, ठीक है। फिर लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है आपको, इन दिस पैराग्राफ यू एक्सप्रेस पोलाइटली योर अर्नेस्ट, ठीक है, मीट टू हायरिंग ऑफिसर पर्सनली टॉक, ठीक है, थैंक हिम और रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन, ठीक है, उनको थैंक्स बोलना है, ठीक है, जैसे आई अप्रिशिएट द टाइम यू हैव टेकन आउट टू गो थ्रू माई एप्लीकेशन लेटर, शैल आई एंजॉय मीटिंग योर पर्सनली यू पर्सनली एंड डिस्कस फर्दर डिटेल्स, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, डिटेल्स को मैंशन अच्छे से करना है, ठीक है, स्किल्स और एबिलिटी को अच्छे से आपको बताना है और यूज़ करना है अपने सीवी में, ठीक है, एप्लीकेशन लेटर में। तो ये सब हो गया आपके एप्लीकेशन लेटर। फिर एवोल्यूशन ऑफ जॉब एडवर्टाइजमेंट, इसको आप स्किप कर देना, काट देना, इसको कोई जरूरत नहीं है, आ भी सकता है, ठीक है, तो ये ब्लेम मत करना मेरे को कि हाँ आपने कटवा दिया, ठीक है, आप कर लेना अगर टाइम है आपके पास ज़्यादा, तो क्योंकि इतना टाइम किसी के पास अभी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो तो इससे इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, जो आपको ब्लॉग खोलना है कौन सा, देखो मिस स्पेल्ड वर्ड है इसमें दिया हुआ है तो आप देख लेना एक बार, क्या पता पेपर में शॉर्ट नोट्स में आ जाए या अलग से क्वेश्चन आ जाए, तो मिस स्पेल्ड वाले वर्ड देख सकते हो आप, ठीक है, बाकी कंफ्यूजिंग वर्ड भी देख सकते हो, जैसे डेजर्ट, दोनों के मीनिंग क्या, प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे कस्टम हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, कस्टम क्या होता है, एक कल्चरल ट्रेडिशन होता है, कॉस्ट्यूम क्या होता है, आउटफिट होती है जो हम किसी ट्रेडिशन या फिर किसी भी चीज़ में पहनते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो मिस स्पेल्ड वाले वर्ड अच्छे से कर लेना, बाकी और कंफ्यूजिंग वर्ड भी होते हैं वो भी कर लेना, ठीक है। अब एक मेन चीज़ में जो बताने वाला था वीडियो के लास्ट में वो ये चीज़ है, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे पिछले साल आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है, ठीक है, मैं आपको यूनिट बताता हूँ, आप वैसे पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, सम बिजनेस टर्म्स, ठीक है, बिजनेस टर्म से आप मान लो 30 नंबर कन्फर्म है, 30 या 20 नंबर कन्फर्म है, तो इसको आपको करके जाना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको रीड करना है बस, ठीक है, जैसे पहले दो हैं, ठीक है, बिजनेस टर्म वन, बिजनेस टर्म टू, तो आपको दोनों अच्छे